फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये आपके पास रूट है इस इक्वेशन का तो एबीसी बिलोंग्स टू रियल ए जीरो नहीं होना चाहिए तो इसमें से क्या आंसर होगा सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक रूट ये है तो अदर रूट हम क्या ले लेते हैं अदर रूट ले लूंगी मैं वन माइनस माइनस में है तो प्लस में ले लो ठीक है ये होगा नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स तो एक है मेरा थ्री माइनस फोर और दूसरा है प्लस थ्री प्लस फोर आयोटा विच इज यहां पे कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए क्लियर इसको कर लेते हैं थ्री प्लस फोर आयोटा एलसीएम और थ्री माइनस फोर आयोटा नीचे एसकेर माइनस बी स्क्यर एसकेर माइनस बी स्क्अर क्लियर आयोटा स्केयर आपका ये ये काट दो ये कट गया कितना आ जाएगा सिक्स और यहाँ पे आयोटा स्केयर माइनस वन होता है तो ये ट्वेंटी फाइव हो गया माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस हो गया एंड इधर था माइनस बी बाय ए क्लियर एक इक्वेशन ये आ गई दूसरी अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय तो वन बाय थ्री माइनस फोर आयोटा मल्टीप्लाई वन बाय थ्री प्लस फोर आयोटा सी बाई ए तो वन एस के माइनस बीस के वही आ गया ये ट्वेंटी सी बाय से ए की वैल्यू निकाल दीजिए या फिर सी की कुछ भी ए की वैल्यू निकाल देते ट्वेंटी फाइव सी हो गया और कहा पुट कर देते हैं यहाँ पुट कर देते सिक्स ए इक्वल टू माइनस बी मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव अब पुट कर दीजिए एक की जगह यहाँ ट्वेंटी फाइव सी माइनस बी मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव ये कैंसिल आउट एंड फाइनल इज 6c प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आपका फाइनल आंसर सिक्स b प्लस बी दिस नेक्स्ट है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दो तीन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ठीक है देन वैल्यू ऑफ ए तो क्या होगा ये मैं डायरेक्ट ही करूंगी ये दो इक्वेशंस को क्या कर लेती हूँ मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे मुझे थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है किससे थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री टू जिक्स वाई थ्री थ्री जन दूसरी इक्वेशन ये ले लो थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू सेवन क्लियर है तो ये आपका कैंसिल ये हो गया टू वाई और ये भी टू वाई कितना आ गया आपके पास वन तो एक किसी में भी डाल दीजिए ऊपर x प्लस टू इन वन इक्वल टू थ्री तो x भी कितना आ गया आपका वन एक्स वन वाई वन आप किस इक्वेशन में डाल दीजिए ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ये वाली इक्वेशन है a की जगह वन b y की जगह भी वन तो थ्री कितना आ गया आपका थ्री माइनस वन ए कितना आ गया आपका थ्री माइनस वन टू तो फाइनल इज दिस नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इतना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की ये है पी ऑफ ए ये पी ऑफ बी इतना दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ नाइन पी तो बस इसमें एक ही फॉर्मूला है एक तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लियर पी ऑफ ए कितना है टू पी पी ऑफ बी कितना है पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है आपको पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू वन बाय थ्री ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट क्लियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट क्या होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वन बाय थ्री तो वन माइनस और ए यूनियन बी मैंने निकाला हुआ है थ्री माइनस पी माइनस हाफ इक्वल टू वन बाय थ्री दैट मीन्स वन माइनस थ्री पी प्लस हाफ इक्वल टू वन बाय थ्री ये और ये सॉल्व करके कितना आ गया थ्री बाय टू तो वन बाय थ्री उस तरफ ले गई मैं थ्री बाय टू को तो माइनस थ्री बाय टू हो गया और माइनस थ्री पी यही रह गया तो ये कितना हो गया सिक्स से टू से और थ्री से तो नाइन माइनस टू सेवन सेवन बाय सिक्स और माइनस थ्री पी डैट मींस ये हो गया पी इज इक्वल टू यहां भी माइनस आएगा नाइन बड़ा था ये कैंसल आउट सेवन ओवर एटीन बट मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए नाइन नाइन पी तो मतलब इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दो सेवन बाई एटीन नाइन कट तो दैट मींस ये हो गया सेवन बाय टू और सेवन बाई टू आपका होता है थ्री पॉइंट फाइव जीरो क्लियर फाइनल आंसर इज थ्री पॉइंट फाइव जीरो नेक्स्ट है दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस देखिए एक प्लेन है ऐसे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट थ्री वन एंड वन ये दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एक है आपके पास ए पॉइंट है वन टू एंड थ्री और एक लाइन है आपके पास लाइन कंटेनिंग ये वाला कितना हो जाएगा मान लीजिए बी है और दूसरा ये हो जाएगा वन वन एंड जेड तो है ही नहीं यहां पे तो वन वन एंड जीरो पॉइंट बी के और दूसरा ये वाला टू वन एंड टू वन एंड फोर क्लियर है अब देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालते पहले ए बी की डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी तो कैसे करते हैं माइनस कर लेते वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो टू माइनस वन वन थ्री माइनस जीरो जीरो डायरेक्शन रेशो आ गई वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रही हूं मैं तभी फॉर्मूला लगा पाऊंगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका x माइनस फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन वाई माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री एंड नीचे जो मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाली है जीरो वन थ्री एक पॉइंट टू वन एंड फोर इज इक्वल टू कितना होता है ये जीरो होता है अब डिटरमिनेंट कर लीजिए एक्स माइनस वन फोर माइनस वन दिस माइनस दिस फोर माइनस थ्री वन माइनस y माइनस टू जीरो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा प्लस जेड माइनस थ्री हम इनको भी करिए जीरो माइनस टू मतलब माइनस टू इक्वल टू जीरो फाइनल इज एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया ये तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स वाई और प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व क्लियर एंड नेक्स्ट इज माइनस टू जेड और माइनस माइनस प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो अब मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है कौन सी सिक्स प्लस एक्स वाई माइनस टू जेड ये माइनस वन ये माइनस ट्वेल्व और ये सिक्स माइनस थर्टीन प्लस सिक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्लियर है आप देखिए फॉर्मूला होता है परपेंडी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम जो आपके पास पॉइंट दिए हैं वो है थ्री वन वन लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स वन वाई वन जेड वन होता है यहाँ पे टू द प्लेन टू द प्लेन प्लेन क्या है आपके पास x प्लस वाई माइनस टू जेड माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है p इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी ओवर अंडर रूट ए स्केर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्क्र क्लियर है जिसमें आपका एक्स वन ये वाई वन ये जेड वन ये ठीक है यहां पे ए वन क्या आ रहा है वन बी वन क्या आ रहा है सिक्स सी वन क्या आ रहा है माइनस टू और लास्ट डी आपका है माइनस सेवन यहां पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये ए वन इंटू एक्स वन थ्री प्लस सिक्स इंटू बी वाई वन माइनस सी क्योंकि टू है माइनस टू है सी इंटू जेड वन जेड वन कितना है वन और प्लस डी तो माइनस सेवन ओवर ये हो जाएगा ए स्केयर वन का स्केयर वन प्लस बी स्केयर सिक्स का स्क्यर थर्टी सिक्स प्लस और सी का स्क्वेयर माइनस टू का स्केयर फोर हो गया ये अब देखिए डी परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो कितनी निकली थ्री प्लस सिक्स माइनस टू माइनस सेवन ओवर ये हो गया आपका फोर्टी वन फाइनल इज ये देखिए आप थ्री और सिक्स कितना हो गया नाइन नाइन माइनस नाइन जीरो लास्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज सिक्स एंड माइनर एक्सिस एट देन फाइंड असेंट्रिसिटी तो डिस्टेंस बिट्वीन फोकाय क्या होता है टू एक्वल टू सिक्स ए कितना आ गया आपका थ्री आ गया पहला तो ये ठीक है एंड माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस टू बी दिया है गीवन कितना एट होता टू बी है और ये आपका बी कितना आ गया फोर हो गया अब हमें क्या करना है असेंट्रिसिटी निकालनी है तो जो असेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला बी स्केयर ए स्केयर वन माइनस ई स्केयर तो बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्यर ब्रैकेट खोल दो क्योंकि ए और ई e का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास दिया हुआ है तो बी कितना है फोर का स्केयर सिक्सटीन ए नहीं दिया है ए e कितना है थ्री और ए का स्केयर नाइन हो गया दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव ए स्क्र तो ए कितना आ गया आपका फाइव आ गया फाइनल ए e कितना दिया आपके पास थ्री दिया है तो एज फाइव E नहीं दिया है तो ये इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आई होप आपको समझ आ गया है सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन क्लियर डेली प्रैक्टिस कीजिए डेली क्विज अटेम्प्ट भी कीजिए और बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच